हेलो एवरीवन, मेरा आज का टॉपिक है अंधविश्वास। अंधविश्वास का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बिना देखे उस चीज़ पर विश्वास कर लेना, यकीन कर लेना, ये होता है अंधविश्वास। और सबसे दुख की बात तो ये है कि हमारे इंडिया में अंधविश्वास को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। मतलब दुख इस बात का है कि टेक्निकल और साइंटिफिक ज़माने के टाइम में इस अंधविश्वास को इतना बढ़ावा, इतना महत्वपूर्ण समझा जाता है कि कुछ कह नहीं सकते। और सबसे अच्छी बात क्या, साइंस के स्टूडेंट अंधविश्वास पर इतना यकीन करते हैं कि क्या कहें। अंधविश्वास एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के द्वारा ही लोगों में फैलाई जाती है। लोग उसे खूब बढ़ावा देते हैं, खूब उसमें यकीन करते हैं, खूब पूजा जतन और पता नहीं क्या क्या करते हैं अंधविश्वास के लिए। इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में अंधविश्वास को कितना योगदान दिया जाता है। मतलब अंधविश्वास तो लोगों के द्वारा ही लोगों में फैलाया जाता है ये अंधविश्वास। और मतलब लोग अंधविश्वास पर और ऐसी चीज़ों पर कैसे यकीन कर लेते हैं जिस चीज़ को उन्होंने खुद अपनी आँखों से नहीं देखा। इसीलिए हमारा देश पीछे है, क्योंकि हमारे देश की फिजिकली मेंटेलिटी थिंकिंग नहीं बदल रही, इसीलिए वो पीछे है। डेवलप तो होता नहीं है और फालतू की बातें लोगों के माइंड में डाली जाती हैं और उन्हें ऐसी ऐसी रास्ताएं बताई जाती है कि आप पूजा पाठ करिए तो आपके घर में धन आएगा, आपका बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है तो आप ये पूजा कीजिए, आप उसको ये खिलाइए तो आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, भूत प्रेत, आत्मा और जादू टोना, इन सब चीज़ों को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। हाँ, कुछ साधु संत क्या बोलते हैं, आपके बेटे का काम नहीं चल रहा, इस पर शनि भारी है, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आपको किसी ने करा दिया है जादू टोना, लोगों का काम नहीं चल रहा है, बिजनेस में बहुत सारा लॉस हो रहा है। तो पहली बात, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब एक बात बताइए, लॉकडाउन रहा, इतने टाइम तक लॉकडाउन रहा, क्या पता था हम लोगों को कि इतने लंबे तक लॉकडाउन रहेगा। अब बताइए, अब किसने आपको जादू टोना कराया, भगवान ने कराया या फिर आपके किसी आस पड़ोस में आपको किसी ने जादू टोना करा दिया कि हाँ लॉकडाउन रहा। बताइए, किसी का काम तो चला नहीं लॉकडाउन में, तो किसी ने नहीं, ये तो सरकार की तरफ से ही लॉकडाउन रखा था हमारे सेफ्टी के लिए। और हाँ, आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं, हे भगवान हमें पास कर दीजिए, हम आपको 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, हम आपकी वो चुंदरी लेके आएंगे आपके लिए और बस भगवान 60% से पास करा लेना। तो पहली बात, भगवान भी उन लोगों की हेल्प करते हैं जो लोग अपनी हेल्प खुद करना जानते हैं, अदरवाइज भगवान भी ऊपर से उतर कर नहीं आएंगे आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए कि हाँ मैं लिख देता हूँ तुम पास हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है, भगवान उन्हीं लोगों की हेल्प करते हैं जो लोग खुद की हेल्प करते हैं। तो अंधविश्वास लोगों की बेकार की सोच है, जिसे लोग खुद एक घर में जाते हैं, हाँ भाई इनको जादू टोना करा दिया है, आए अरे वाह उनके बताओ घर में जादू टोना करा दिया है, बताओ इस बाबा से मिलना चाहिए, शायद हो सकता है हमारे घर की परेशानियां दूर हो जाए। तो ऐसा नहीं है, अंधविश्वास लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है और लोगों में ही फैलाया जाता है, लोगों से लूटा जाता है। तो लोग इस बात को समझते नहीं हैं, किसी भी मतलब चीज़ को बिना देखे यकीन कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, जिस चीज़ को आप देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, उसी चीज़ पर यकीन करो ना, अदर फालतू की इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा है, आपका ही नुकसान है। आप अपनी सोच नहीं बदलते हो, आपकी सोच बिल्कुल वही है, बिल्कुल बदल नहीं रही है, तो क्या क्या है सब चीज़ें, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। तो सोच बदलो, खुशी से रहो, बस यही चाहिए हमें। और बस शुक्रिया।